आज यहाँ पर मैं शांत हो बेटा, एक मिनट, ये रिजॉल्व करा के जाऊंगा आपको। या तो मैं किसी काम को छेड़ता नहीं और छेड़ दूं तो छोड़ता नहीं। लेकिन मेरे को अफसोस इस बात का है कि अपने अधिकारों के लिए आज पूरे देश के अंदर स्टूडेंट्स को लड़ना पड़ रहा है। तो क्या हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की बात नहीं सुन रहा? क्या इशू क्या है, मेरे को ये बता दो। यही तो सर, तीन दिन हो गए सर। थोड़ा सा मेरे को आप बता दो क्या है। सर हम आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देते हैं सर, कि एक हमारा बड़ा पुरानी रेगुलेशन है 39(4), जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जब ये बच्चे आंसर बुक लिखते हैं तो उनके जो आंसर्स होते हैं वो ठीक भी होते हैं। इवन एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक आंसर ए है और गलती से इन्होंने मान लो चेक कर दिया किसी और सेट के आंसर, तो सारे के सारे बच्चे के एमसीक्यू के आंसर गलत पलत हो गए और इन्होंने काट दिए, बच्चा फेल हो गया। रैंक होल्डर स्टूडेंट था, उसके सारे सब्जेक्ट में पूरे अच्छे नंबर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सर, और ये उसके अंदर कहते हैं हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि स्टेप मार्किंग लगी, अगर काटा लग गया तो ठीक नहीं हो सकता। हम कहते हैं क्यों नहीं ठीक हो सकता, बोलते हैं 39(4) बना करता है। ये इनको कई सालों से हम कह रहे हैं कि 39(4) को अमेंड करो, बस यही हमारी मांग। सर रीचेकिंग अलाउड नहीं है, वही 39(4) ऐसा है कि 70 साल के बाद अगर 370 हट सकती है नवंबर के अंदर राम मंदिर बन सकता है तो ये आप लोगों ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या? जी सर, सर दिया, सर कल दिया। अच्छा, किसने ऑफिशियली रिसीव कराया आप? मेल पे भेजा हुआ है। दो साल पहले ही भेजा था, पिछले साल ही भेजा था और अभी भी भेजा। अभी किसी से कोई रिप्रेजेंटेटिव मिला आपसे आके इंस्टीट्यूट का? किसी सेंट्रल काउंसिल से? तो फिर एक चीज है, जब तक ये कब तक है आपका धरना, कब तक है? मैं यही पूछ रहा हूँ क्योंकि आज जरूर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मतलब सीए की प्रैक्टिस नहीं करता, आई प्रैक्टिस लॉ, लेकिन मैं भी तो स्टूडेंट था आपकी तरह। तो हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी अपने से ही नहीं बल्कि हमारे परिवार की भी आशाएं होती है, और जब मार्जिन पे आप फेल होते हो विदाउट, पूरा समाज फेल होता है। तो मैं बात करता हूं अभी और इस मसले को निपटा के जाऊंगा, इतनी मेरी इच्छा है। शाम को मेरे को दे दो, और अगर मेरे से ना निपटा तो फिर मेरे पास एक और ब्रह्मास्त्र भी है। अभी पीछे क्या हुआ कि उनका जन्मदिन था 15 तारीख को, जिनकी बात कर रहा हूँ, बताऊंगा किसकी बात कर रहा हूँ। और 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का होता है। तो लोगों ने कहा भाई आप दो बड़े धुरंधर व्यक्तित्व हो, तो आप दोनों मिलके एवरेज निकालो और 16 तारीख को मना लो। लेकिन बात ये हुई कि 16 तारीख को इसलिए नहीं मनाया जा सकता क्योंकि 16 तारीख को भी एक हस्ती है जिसका बर्थडे होता है। अब उनका तो मैंने बता दिया आपको, 17 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे होता है, 15 सितंबर को जिस हस्ती का बर्थडे होता है उसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। अब चक्कर ये है कि 16 को किसका होता है,
ये है सोचने वाली बात। 16 तारीख को होता है चिदम्बरम का जो जेल में, तो और चिदम्बरम जो जेल में है वो डॉक्टर स्वामी की और मेरी कंप्लेंट भी, तो इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत। और अगर वी हैव टू फाइट फॉर आवर लेजिटिमेट राइट्स, अगर हमारा राइट लेजिटिमेट है तो मैं समझता हूं कि हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कौन है सर? आप कंटिन्यू करो सर, आप कंटिन्यू करें। अभी ऐसा है कि मेरे को सुनने में आया है कि अनुज गोयल जी आए हैं, अभी धीरे धीरे सारे आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।